हमारी जन समस्याओं को लेकर हमारे क्षेत्रीय विधायक से मिलने का एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारी पूरी क्षेत्र की जनता द्वारा उन्हें एक आवेदन स्वरूप अपनी समस्याओं से अवगत कराना था। लेकिन आज जब क्षेत्र के हमारे उत्तर विधानसभा के विधायक इस क्षेत्र में आते हैं तो कम से कम 25-30 गुंडों के साथ आते हैं, और उन्होंने हमारी जनता जो हमारे इस समस्याओं को लेकर बैठे थे उनसे बिल्कुल भी 1% भी बात नहीं करी और आगे बढ़ गए। हमसे हमारे साथ धक्का मुक्की की गई। 4 साल में एक दिन नहीं आया वो यहाँ पे घूमने के लिए। आज जब हमने आज विरोध प्रदर्शन किया तो आप अगर हो करें कि हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अगर किसी विधायक से तुम जनता के सामने नहीं लड़ सकते, सच्चाई से नहीं लड़ सकते, तो आपने एक नया तरीका निकाल लिया कि विधायक को वहाँ जाने से रोका जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कचपुरा का मैं चुनौती दे रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े जबलपुर के नेता को कि मेरे साथ कचपुरा की गली गली का भ्रमण कर लें। अगर 90% लोग विनय सक्सेना को पहचानेंगे और ये कहेंगे कि विनय सक्सेना अकेले जो यहाँ आते हैं। जबलपुर शहर के उत्तर मध्य विधानसभा के कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना को लेकर कचपुरा टकराव की स्थिति निर्मित हो गई है। विधायक को जहां कुछ लोग सम्मान करने बुलाए थे, वहीं विकास ठप करने का आरोप लगाते हुए कुछ लोग विरोध कर रहे थे। विरोध करने वालों ने विधायक को काले झंडे तक दिखाए। टकराव से आक्रोशित विधायक बोले, ये बीजेपी के गुंडे हैं, इन्हें ठीक करना आता है। कचपुरा में 75 लाख के विकास कार्यों को कराए जाने पर स्थानीय महिला मंडल ने विधायक विनय सक्सेना का सम्मान समारोह रखा था। वहीं इस क्षेत्र में कुछ लोगों की समस्याएं हैं कि वहां नाली, रोड आदि बुनियादी विकास तक विधायक ने नहीं कराए, इसे लेकर वे विरोध पर अड़े थे। कुछ दिन पहले यहां विधायक के गायब होने का पोस्टर भी चस्पा हुआ था। विधायक का आरोप है कि ये सब बीजेपी के लोगों द्वारा कराया जा रहा है, इसे लेकर पहले से ही तनाव बना हुआ था। रविवार शाम को महिला मंडल ने विधायक को सम्मानित करने बुलाया था। वहीं जाने के लिए विधायक निकले थे, पर रास्ते में बड़ी संख्या में कुछ लोग हाथों में काले झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। विधायक को देखकर विरोध कर रहे लोगों ने काले झंडे दिखाए और उनके काफिलों को रोकने का प्रयास किया। इसे लेकर कांग्रेस के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी पहुंच गए। दोनों ओर से झड़प की स्थिति निर्मित हो गई। विवाद की खबर मिलते ही मौके पर संजीवनी नगर TI, गोरखपुर TI, कोतवाली, बदन महल, कोतवाली, CSP, हनुमान TI भी दलबल के साथ पहुंच गए। बावजूद विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने विधायक के सामने मटके फोड़े। विधायक समर्थक और विरोध करने वालों में काफी देर तक हंगामा चलता रहा। कचपुरा युवा संघर्ष समिति व युवा मोर्चा नगर उपाध्यक्ष श्रीकांत कुक्की ने आरोप लगाया कि विधायक 4 साल के कार्यकाल में इस क्षेत्र के विकास कार्यों से मुंह मोड़ चुके हैं, इसी कारण उनका विरोध किया जा रहा है। वहीं विधायक विनय सक्सेना ने बताया कि इस क्षेत्र में वे 75 लाख रुपए विधायक निधि से और 26 लाख रुपए राज्यसभा सांसद विवेक तनखा से बोलकर खर्च किए हैं। युवा मोर्चा का अध्यक्ष अपने घर तक रोड बनाने का दबाव डाल रहा है, ये तो वो हरगिज नहीं करेंगे। विरोध करने वाले बीजेपी के गुंडे हैं और इन्हें ठीक करना हमें आता है। नगर निगम के वार्ड पार्षद के चुनाव से पहले की ये कवायद मानी जा रही है। अचानक क्षेत्र विकास की चिंता होने लगी है। संस्कारधानी जबलपुर में इसी सियासी जंग की ये तस्वीरें दिखी। विधायक ने खुद की सुरक्षा को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस ने इस घटना को लेकर जल्द विशेष बैठक बुलाने की बात कही है। चेतावनी दी कि बीजेपी के नेता ऐसे ही बर्ताव चाहते हैं तो शहर आने वाले उनके वरिष्ठ नेताओं को भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।